अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में हमारा जो आज का लेक्चर है वो हम बनाने लगे हैं स्लीव। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने ये पेज का साइज़ लिया स्लीव का, इसमें पैटर्न लगाया। पैटर्न का तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। ये हमने बॉर्डर लगाया, ठीक है। अब ये वाला जो बॉर्डर ना हमारे फ्रंट और बैक में था, ये वाला बॉर्डर लगा के, ठीक है। ये मैं अगेन बताती हूँ, ये हमने न्यू लेयर ली है, ठीक है। न्यू लेयर लेके कलर हमने पिक किया, ठीक है। कलर पिक करके ये देखें ऐसे ऐसे हमने बॉर्डर बनाया। कलर इधर से पिक किया, ठीक है। और ये वाले जो लेयर है ना वो बंद कर दी, ये देखिए 8 बैक स्पेस हो गया। और ऐसे दूसरा ये कलर पिक करके इस लेयर को बंद कर दिया ऐसे। इसकी एक कॉपी ली, 8 बैक स्पेस, ये देखिए कॉपी लेके इस पे आर्ट बैक स्पेस, ठीक है, ये लगा दिया। तो ये बॉर्डर हमारा तैयार हो गया, ठीक है। स्लीव पे हमने क्या करना, ये बॉर्डर तैयार हो गया। और सिंपल कुछ नहीं, जो हमने फ्रंट से या बैग से कुछ चीज़ उठा के ना, ये देखें ये मैंने उधर से उठाया है, उठा के तो ये सेंटर में हम रख के ये सेंटर किया। सेंटर में हमने ये मोटिफ रखा, इसकी इधर से पेस्टी कम की। अगर हम कलरफुल रखना चाहते हैं तो कलरफुल रख दें, अदरवाइज इधर से हम ये उधर से बना हुआ उठाया है और इसकी इधर से पेस्टी कम की, ठीक हो गया। अब क्या करना है, इधर से हमने कलर पिक किया, ठीक है। और आर कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर ली, ठीक है। और लेयर को हमने रखा नीचे और इसकी ली हमने सिलेक्शन, ठीक है। ठीक है, सिलेक्शन लेके 8 बैक स्पेस ये कलर कर दिया, ठीक है। यानी कि ये जो हमने पहली लेयर ली थी इसकी पेस्टी कम की, दूसरी लेयर लेके नीचे से जो सिंपल लेयर है उस पर हमने ये बैक का कलर कर दिया। तो ये हमारी स्लीव तैयार है। तो कैसा लगा आज का लेक्चर स्टार्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।